अच्छा, लॉगरिथम की सबसे पहले डेफिनेशन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं तुम लोग से बोलूं कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉगरिथम, तो लॉगरिथम मैंने ये बोला है कि लॉग इज अ फंक्शन, और लॉगरिथम की शॉर्ट फॉर्म हम LOG लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए। और फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, लॉगरिथम भी बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप लॉग के साथ जो है एक छोटा सा नंबर नीचे लिखते हो जिसको हम कहते हैं बेस, ठीक है, और आप एक बड़ा नंबर ऊपर लिखते हो जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये जो स्मॉल नंबर है इसको हम बेस कहते हैं, और ये पूरा पढ़ने का तरीका ये होता है कि लॉग टू द बेस ए ऑफ बी। इस पूरे को पढ़ने के लिए आप क्या करते हो, लॉग टू द बेस ए ऑफ बी, ये इसके पढ़ने का स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। ये जो स्मॉल नंबर है इसको हम बेस कहते हैं, और ये जो हमारे पास बड़ा नंबर होता है हम इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अगर लॉग की डेफिनेशन पूछो तो लॉग को डिफाइन इस तरह किया जाता है कि व्हाट पावर डू यू हैव टू रेज ए बाय टू गेट बी, ठीक है। अगर आपको इससे पूछा जाए कि लॉग का क्या मतलब होता है, तो लॉग जो है ना बेसिकली एक्सपोनेंट्स को लिखने का एक दूसरा तरीका है। इसमें हम ये चीज देखते हैं कि हम क्या बेस की पावर रेज करें कि हमें अपना फाइनल आंसर बी मिल जाए। जैसे अगर मैं लॉग टू द बेस ए ऑफ बी की बात करूं, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ए की क्या पावर होनी चाहिए कि मुझे बी आंसर मिल जाए, ए की क्या पावर होनी चाहिए कि मुझे बी आंसर मिल जाए, ये लॉग की सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ शेयर किया है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है log 2 log to the base 2 of 8 is equal to 3, तो इसका मतलब है कि 2 की क्या पावर होनी चाहिए कि आंसर 8 आए, तो 2 की पावर 3 होनी चाहिए तो आंसर आपका 8 आएगा, ठीक है। हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स होती है, एक इंडेक्स फॉर्म होती है, एक लॉगरिथम फॉर्म होती है। इंडेक्स फॉर्म में हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो पावर में होता है, ठीक है, और लॉगरिथम फॉर्म की निशानी है कि हमारे पास सबसे बड़ा लॉग लिखा होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना तुम्हें आना चाहिए। हमेशा याद रखना कि इंडेक्स फॉर्म में भी एक बेस होती है और लॉग में भी एक बेस होती है, तो दोनों साइड्स पे बेस सेम होती है, ठीक है। पावर जो है वो बाद में चली जाती है, आर्ग्यूमेंट पहले आ जाता है। अगर मैं इंडेक्स फॉर्म की बात करूं तो इंडेक्स फॉर्म में ये जो एन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ आर्ग्यूमेंट, ये जो ए लिखा हुआ है इसको मैं कह रहा हूँ बेस, और ये जो एक्स लिखा है मैं इसको कह रहा हूँ पावर। जब मैं इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ जो बेस ए है, लॉग की बेस भी वही होगी, आर्ग्यूमेंट पहले आ जाएगा, पावर बाद में चली जाएगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ शेयर किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बी और बी टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई है, ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में है। मुझे इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले लॉग लिखूंगा, मैं देखूंगा बेस क्या है, बेस यहाँ बी है तो मैंने भी यहाँ बेस बी लिख दी, और फिर मैं क्या करूंगा, जो आर्ग्यूमेंट था मेरा वो मैं पहले ले आऊंगा और जो मेरी पावर है वो मैं बाद में ले जाऊंगा, मैं मतलब क्रॉस कर लूंगा, तो मेरे पास जो लॉग फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी लॉग टू द बेस बी ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, 2 to the power 4 equals to 16, इसको भी लॉग में लिखना है, तो सबसे पहले लॉग लिखूंगा, फिर देखूंगा बेस क्या है, तो बेस 2 है, लॉग की बेस 2 हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट को पहले ले आऊंगा, 4 को बाद में लिख दूंगा। तो ये एक बहुत बेसिक तरीका है जिसके क्वेश्चन लाजमी आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको फॉर्म चेंज करनी पड़ती है, हर क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में जाना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट योर आंसर। हमारे पास दो तरह के लॉग्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग वो वाला लॉग होता है जिसकी बेस 10 होती है, ठीक है, हर लॉग की बेस होती है, बेस के बगैर आपका लॉग डिफाइन नहीं होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग्स, हमारे पास दो तरह के लॉग्स हैं। द फर्स्ट लॉग इज कॉल्ड द कॉमन लॉग। कॉमन लॉग वो वाला लॉग होता है जिसकी बेस 10 होती है, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा लॉग होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग वो वाला लॉग होता है जिसकी बेस ई होती है। ई जो है ना बेसिकली एक नंबर है जिसको हम कहते हैं यूलर्स नंबर, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये मैथ्स में बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि कांस्टेंट है, तो ई को आप यूलर्स नंबर्स भी कह सकते हो, ठीक है। बस इतना याद रखो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग्स, द फर्स्ट लॉग हैज 10 इन द बेस और उसको हम कहते हैं कॉमन लॉग, जो कि हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, इसलिए हम उसको कॉमन लॉग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा लॉग जो है वो कहलाता है नेचुरल लॉग, जिसको आप LN से रिप्रेजेंट करते हो। कॉमन लॉग को आप LOG लिखते हो और नेचुरल लॉग को आप LN लिखते हो, और LN की बेस जो है ना वो ई होती है। तो जब भी वो आपसे बोले नेचुरल लॉग, तो समझ जाना कि ये वो वाला लॉग है जिसकी बेस ई होती है, और अगर बोले कॉमन लॉग तो समझ जाना ये वो वाला लॉग है जिसकी बेस 10 होती है। तो आपको बेस का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म कन्वर्ट करते हो इंडेक्स से लॉगरिथम फॉर्म, तो उसके लिए आपको बेस का पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हमने लॉग का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, लॉग की डेफिनेशन डिस्कस की, इंडेक्स फॉर्म और लॉगरिथम के बारे में देखा, ठीक है, इंडेक्स फॉर्म से लॉग फॉर्म में कैसे जाते हैं, लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में कैसे जाते हैं, ये भी देख ली थोड़ी सी एग्जांपल्स, और हमने ये भी देख लिया कि कितने टाइप्स के हमारे पास लॉग्स होते हैं। एक नेचुरल लॉग होता है, कॉमन लॉग होता है, कॉमन लॉग की बेस 10 होती है, नेचुरल लॉग की बेस ई होती है। हमारे पास लॉग्स के इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो सबसे पहले लॉग की कंडीशन थी, ठीक है, वो कंडीशन तुम लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूँ।
लॉग में दो चीजें होती हैं, वैसे तो तीन चीजें होती हैं लॉग में, एक बेस होती है, एक आर्ग्यूमेंट होती है और एक पावर होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो आर्ग्यूमेंट और पावर की नहीं है, बेस की है। तो हमेशा याद रखना कि लॉग की बेस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, और ग्रेटर देन जीरो बोलूं तो वन नहीं, वन से कोई और नंबर होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। तो ये बेस की कंडीशन है, बेस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, और जीरो के बाद मतलब वन नहीं होना चाहिए, वन के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, बेस की कंडीशन। और आर्ग्यूमेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। कभी भी आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होगा तो हम वो लॉग फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें एरर पर मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि कुछ कंडीशंस हैं जिसपे लॉग डिफाइन होता है, तो वो कंडीशंस जो है वो बेस की और आर्ग्यूमेंट की हैं। बेस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू वन। बेस हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए और वन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वन की कोई भी पावर होती है ना, आंसर हमेशा वन ही आता है, इसीलिए हम बेस को वन नहीं ले सकते। जब मैंने आपको लॉग की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बोला था लॉग का मतलब होता है कि बेस की ऐसी कौन सी पावर है जिससे हमें आर्ग्यूमेंट मिले। अगर मैं लॉग को समझाने की कोशिश करूं तो लॉग बेसिकली क्या है, व्हाट पावर डू यू हैव टू रेज ए टू गेट बी, ठीक है, मतलब ए की क्या पावर रेज करूं कि मुझे बी आंसर मिले, ये लॉग का मतलब होता है। तो अगर मैं बेस में वन ले लूंगा तो वन की कोई भी पावर होगी, आंसर हमेशा वन ही आएगा, इसीलिए आप कभी भी जो है वो बेस को वन नहीं ले सकते और आप बेस को नेगेटिव भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो बेस कैन नॉट बी इक्वल, हमेशा बेस जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी और कभी भी वन नहीं होगी, वन से ज्यादा होगी, और आर्ग्यूमेंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। फिर थोड़े से रूल्स डिस्कस कर लेते हैं लॉगरिथम के, हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ कहता था कि लॉग टू द बेस ए, और आपके पास जो दो वेरिएबल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज द प्रोडक्ट लॉ। इसको लिखने का तरीका क्या है कि पहले आप लॉग ए लिखोगे, एक्स लिखोगे, सिंस दिस इज अ प्रोडक्ट लॉ तो आपने प्लस लिख के फिर दोबारा लॉग ए और वाई लिखा, ये प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ जो है ना वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है। इसी तरह मेरे पास एक कोशेंट लॉ था, ये नेगेटिव साइन में चेंज हो जाता था। कोशेंट लॉ को जरा गौर से देखो, इसकी फॉर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ लॉग ए और सिर्फ मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो डिवाइड हो रहा है, मेरा जो आर्ग्यूमेंट है सिर्फ वो डिवाइड हो रहा है, तो ऐसी फॉर्म जो है ना ये कोशेंट लॉ की है। आपको फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि अगर दो लॉग्स डिवाइड हो रहे हैं तो आप उनको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आर्ग्यूमेंट डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि पहले आप लॉग ए लिखोगे, एक्स लिखोगे, फिर आप नेगेटिव साइन लिखोगे और फिर लॉग वाई लिखोगे। प्रोडक्ट जो है वो प्लस में डिवाइड हो जाता है कन्वर्ट, क्वेश्चन जो है डिवाइड जो है वो माइनस में चला जाता है। इसी तरह एक पावर लॉ हमने किया था, पावर लॉ का मतलब था कभी भी अगर आर्ग्यूमेंट में पावर होगी तो वो पावर लॉग से पहले आ जाएगी, ठीक है। चेंज ऑफ बेस लॉ हमने किया था, हम अपनी मर्जी से जो है वो लॉग की बेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके दो रूल्स थे। हमारे पास पहला रूल ये था कि एक कॉमन लॉग पिक कर लो अपनी मर्जी से, कोई भी एक लॉग पिक करो जिसकी अपनी मर्जी की बेस ले लो, और फिर जो है वो जैसे लॉग ए और बी है तो आपने लॉग सी पिक कर लिया अपनी मर्जी से, लॉग टू द बेस सी, आर्ग्यूमेंट को ऊपर लिखा, बेस को नीचे लिख दिया, तो आपके पास ये चेंज ऑफ बेस लॉ हो गया। अगर आपको ये वाला लॉ नहीं यूज करना, आप दूसरा लॉ भी यूज कर सकते हो, जैसे लॉग टू द बेस ए ऑफ बी, आप इसको स्वैप कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर दो वन अपॉन, जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आर्ग्यूमेंट बेस बन जाएगी, बेस आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। ये कुछ लॉस थे, कुछ रूल्स थे जो कि हमने लॉगरिथम में डिस्कस किए थे। इधर तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब भी तुम्हारे पास बेस कुछ भी हो, अगर आर्ग्यूमेंट वन हो गया तो आपका आंसर जीरो आएगा, ये भी एक रूल है। एक रूल ये कहता है कि अगर आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो तो आपका आंसर हमेशा वन आता है, ठीक है। और एक रूल ये तो पावर रूल था, ठीक है, ये तो पावर रूल था बेसिकली। इसमें यह था कि लॉग की बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है और उसपे अगर कोई पावर है तो वो सिर्फ पावर आंसर आती है, क्योंकि आपको पता है कि ये आर जो है अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ, ये आर पहले शिफ्ट हो जाएगा और लॉग ए ऑफ ए जो है वो वन हो जाएगा, तो आर मल्टीप्लाई बाय वन आर हो जाएगा। तो ये तीन रूल्स भी तुम्हें जो है वो समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये भी हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ये रूल ये है कि अगर कभी भी आर्ग्यूमेंट वन हो जाए तो आंसर हमेशा जीरो आता है, और कभी भी आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो जाए तो आंसर हमेशा हमारा वन आएगा, और आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है और कोई पावर है तो वो सिर्फ पावर आंसर आ जाएगा। थोड़ा आइडिया हो जाए कि पास पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो तो मैंने रैशनलाइजिंग का रखा है, रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में उसने मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 1+√6 है, और मुझसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ वन साइड इज दिस, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द अदर साइड और इन द फॉर्म ऑफ √a − √b। तो ये तकरीबन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें उसने मुझे एरिया दिया हुआ है, तो मैंने एरिया मल्टीप्लाई बाय, मुझे पता है एरिया का फॉर्मूला वो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया।
तो मैंने क्या किया, ब्रेथ निकालने के लिए, एक साइड की लेंथ निकालने के लिए एरिया को और उसकी साइड को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के लिए मुझे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना पड़ा। डिनोमिनेटर से रूट हटाने को कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो आपका रूट जो है वो डिनोमिनेटर में दो दो है, तो इसका मतलब है कि आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट जो होता है वो एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह होता है, बस सिर्फ साइन चेंज होता है। तो √3 और √2 बिल्कुल आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। द साइन इज पॉजिटिव तो कॉन्जुगेट में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये दोनों तो आइडेंटिटी बन जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आइडेंटिटी बन के जो है वो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा। ऊपर आपको दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराना है, पहले 1 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 हो जाएगा। जब आप 1 को -√2 से मल्टीप्लाई कराओगे दिस विल बी -√2। जब आप √6 और √3 को मल्टीप्लाई कराओगे दिस विल बी √18। और माइनस जब आप √6 को √2 से मल्टीप्लाई कराओगे दिस विल बी √12। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, √18 को आपने 9 × 2 लिखा, क्योंकि 9 स्क्वायर रूट होता है 3 का, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा। और 12 को आपने 4 × 3 लिख लिया ताकि 4 जो है वो रूट से बाहर आ सके। सिंप्लीफाई किया तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है √8 - √3। इतनी वर्किंग मैंने इसीलिए की क्योंकि मुझे इस फॉर्म में अपना आंसर चाहिए था, उसने क्वेश्चन में लिखा था कि गिव योर आंसर इन दिस फॉर्म, तो मैंने इसीलिए जो है वो यहाँ इनको 18 को 9 × 2 लिखा, वरना तुम अगर इनको यहाँ सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दो तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाता, लेकिन सिंस यहाँ कंडीशन गिवन थी इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में अरेंज किया। अच्छा, ये कहलाता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना पड़ता है, और इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें और भी मिल जाएंगे तो इनकी प्रैक्टिस करना। सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन वाली है, लॉग इक्वेशन के लिए आपसे कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन में इसने आपको यहाँ जो है वो लॉग ऑफ 16, ये लॉग टू द बेस 16 है, और यहाँ आर्ग्यूमेंट है 3x - 1 इक्वल्स टू लॉग टू द पावर 4। 16 3x - 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 3x प्लस लॉग ऑफ 4.5। तो चूंकि ये इक्वल्स टू है, ये लॉग इक्वेशन है, तो मुझे दोनों साइड पे लॉग एक एक करना पड़ेगा सेम बेस वाला। तो यहाँ लॉग ऑफ 16 है तो पहले मुझे इसकी बेस चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करता हूँ। चूंकि यहाँ लॉग 4 है तो मैं लॉग 4 ही यूज करता हूँ, तो मैंने इसको चेंज ऑफ बेस लॉ कर लिया। मैंने लिखा लॉग ऑफ 4, आर्ग्यूमेंट को ऊपर लिखा 3x - 1 और नीचे बेस को कर दिया लॉग ऑफ 4। अभी लॉग 4 है, यहाँ भी लॉग 4 है, तो ये 3x × 0.5 हो जाएगा। जब 3x × 0.5 होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3x/2, क्योंकि 0.5 को इसने हाफ लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3x/2। अच्छा, उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ जो है वो लॉग 4 16 को इसने जो है वो 4 को स्क्वायर लिख के, जब ये देखो ये लॉ लग गया लॉग ऑफ 4 और 4 टू द पावर स्क्वायर, ये 2 पहले आ जाएगा, लॉग ऑफ 4 4 1 हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब इसने इस 2 को जो यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ भेज के मल्टीप्लाई करा दिया, ये बन गया 2 log 4। ये 2 पावर में चला जाएगा, स्क्वायर ऊपर पावर में चला गया। अब यहाँ भी लॉग 4 है, यहाँ भी लॉग 4 है, तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने जब देखा कि दोनों साइड पे लॉग सेम है, बेस सेम है, तो मैंने इनको कंपेयर कर लिया आर्ग्यूमेंट को, ये आर्ग्यूमेंट बन गया 3x - 1। इसका जब आप स्क्वायर लोगे 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x² अपॉन 2 का स्क्वायर, आपके पास यहाँ 4 आएगा, इसने जो है वो 4 नहीं लिखा, इधर 4 आना चाहिए इधर, ठीक है। और उसके बाद जब देखो यहाँ इसने सही कर लिया, जब आप इस 4 को सॉल्व करोगे तो जब इधर भेजोगे 4 को, इसने नेक्स्ट स्टेप में सही कर लिया, मैं इसको भी सही कर देता हूँ यहाँ, तो दिस विल बी 4, ये 4 हो जाएगा। और जब ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 × 3x विल बी 12x, 4 × 1 विल बी -4। और आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, आइडेंटिटी से सॉल्व कर लो, इसने आइडेंटिटी से सॉल्व किया तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, मुझे दोनों साइड पे बेस सेम करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल उसी तरह किया, मेरा क्वेश्चन था 8 to the power x प्लस 2 to the power y इक्वल्स टू 64, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी 3 to the power 4x मल्टीप्लाई बाय 1/9 to the power y - 1 इक्वल्स टू 81। ये मेरे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं दोनों, जिनके मुझे सॉल्व करना है x और y। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए मुझे सबसे पहले बेस दोनों साइड पे सेम करनी पड़ती है। तो यहाँ 64 बेस है तो मैं इसको 2 to the power 6 लिख सकता हूँ, और फिर मुझे यहाँ भी बेस सेम करनी पड़ेगी। तो 8 को मैंने लिखा 2³, और ये क्यूब और 3 और x मल्टीप्लाई हो गया 3x हो गया, और ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड बाय 2y हो गया, ठीक है। और आपको पता है जब बेसिस सेम होती है और डिवाइड हो रहा होता है तो आपको पता है कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये 2 to the power 3x - y इक्वल्स टू 2x हो गया। अब आपके पास दोनों साइड पे बेसिस सेम है, तो आपने अपनी एक पहली इक्वेशन बना ली y = 3x - 6। इसी तरह मैं दूसरी इक्वेशन भी बनाने वाला हूँ। दूसरी इक्वेशन में मेरे पास है 3 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 1/9 की पावर y - 1, और यह 81 है, तो
81 को मैंने 3 टू द पावर 4 लिखी, तो अब मुझे यहाँ भी 3 पावर बनानी है, ये तो 3 बनी भी है। 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये 3 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 को आप वाई से भी मल्टीप्लाई कराओगे माइनस 2 वाई हो जाएगा, माइनस 2 को आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे प्लस 2 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ये होता है कि आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी और आपको इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मुझे जो ट्रिक है वो ये है कि मुझे दोनों साइड पे जो बेसिस है वो इक्वल करनी पड़ती है, ठीक है। तो बेस को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा। मैंने 64 को लिखा 2 टू द पावर 6, और यहाँ इस साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो ये 2 टू द पावर y है। 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, और मैं 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों साइड पे बेसिस 2 बनानी है। तो 8 को मैंने 2 क्यूब लिखा, और वो जो 3 था वो x के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x हो गया। ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड के बाद ये 2 टू द पावर y हो गया इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6। अब आपको पता है कि जब बेसिस सेम होती है, इंडाइसिस का लॉ था, और डिवाइड हो रही होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये 2 टू द पावर 3x माइनस y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x हो गया। जब दोनों साइड पे बेसिस सेम हो जाए तो आप जो है वो पावर्स को इक्वेट कर देते हो, आपके पास पहली इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 3x माइनस 6। दूसरी वाली इक्वेशन में भी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। अब मुझे यहाँ भी बेस सेम करनी है, तो मुझे पता है कि मैं 81 को भी 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने 81 को लिखा 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4y एज इट इज आ गई 4x, और मैं 9 को जब 3 स्क्वायर लिखूंगा और 3 स्क्वायर जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो ये 3 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, और फिर इस माइनस 2 को y माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस 2y प्लस 2। और जब मैं इनको इंडाइसिस का लॉ अप्लाई करूंगा कि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो जब पावर ऐड करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 2। अब मेरे पास चूंकि बेसिस दोनों साइड पे सेम हो गई है, मैंने पावर्स को इक्वेट किया और दूसरी इक्वेजन बना ली, दूसरी इक्वेजन आ गई y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब जब मेरे पास दो इक्वेजन आ गई है तो साइमल्टेनियसली मैंने इनको सॉल्व किया और मेरे पास जो है वो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू मेरे पास जो है वो 9 आ गई, ठीक है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन था जिसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेजन्स आपको दी हुई थी और आपको उनको सिंप्लीफाई पहले करना था। सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा याद रखना, जब भी बेसिस सेम हो जाएंगी आप पावर्स को इक्वेट करके अपनी इक्वेशंस बना लोगे और फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएगी। दो क्वेश्चंस और है हमारे पास, दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद तुम लोग अपना टास्क कंप्लीट कर लेना। इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन 3 टू द पावर पी प्लस 1 इक्वल्स टू 0.7 गिविंग योर आंसर टू टू डेसिमल प्लेसेस। ये 3 नंबर का, तो ये 3 टू द पावर पी प्लस 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ जो है वो पावर, हमारे पास जो वेरिएबल है वो पावर में है, तो इस वेरिएबल को हमें नीचे उतारना पड़ेगा। तो नीचे उतारने के लिए तुम्हें पता है पावर को हमें दोनों साइड पे लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आपने लॉग लिया तो ये पी प्लस 1 पहले आ गई, आपने जो है वो लॉग 3 को दूसरी साइड पे भेज दिया, कैलकुलेटर से डिवाइड किया, लॉग 0.7 डिवाइड बाय लॉग 3 जो है वो माइनस 0.326 आया, ये पॉजिटिव 1 शिफ्ट होकर वो नेगेटिव हो गया और आपका जो आंसर आ गया वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 2 डेसिमल प्लेसेस बोला था उसने, तो आपने राउंड ऑफ कर दिया, माइनस 1.32 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में उसने मुझे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और फ्रैक्शन को कह रहा है कि इस फॉर्म में अरेंज करो, पहले 2 लिखो उस पर पावर आनी चाहिए कोई, x लिखो फिर उस पर पावर आनी चाहिए कोई, और y लिखो उस पर पावर आनी चाहिए, और मुझे ये ए बी सी की वैल्यूज बताओ, ये ए बी सी लिखा है पावर में। तो सबसे पहले मुझे इनको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अरेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबको पहले जो है वो इंडाइसिस वाले लॉज अप्लाई करूंगा, जो इंडाइसिस के लॉज मैंने डिस्कस किए थे कि मैंने y को एज इट इज लिखा, ये y पे मैं कोई सुबो नहीं कर सकता सिंप्लीफिकेशन। अब ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, इसका मतलब है ये स्क्वायर जो है ये मुझे हर किसी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर को जो है वो 4 को भी दे दिया और एक्स क्यूब को भी दिया, तो जब मैं 4 को स्क्वायर दूंगा तो ये 16 बन जाएगा, और एक्स क्यूब को जब स्क्वायर दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स 6, और वाई एज इट इज आ गया, ये तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में मुझे पता है कि ये जो स्क्वायर रूट साइन है, मैं इसको फ्रैक्शनल इंडाइसिस में अगर लिखना चाहूँ, फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहूँ, तो मैं स्क्वायर रूट साइन को हाफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने स्क्वायर रूट साइन को हाफ में कन्वर्ट किया तो ये बन गया 8y क्यूब होल पावर हाफ। अब ये होल पावर हाफ जो है ये 8 पे भी है और ये y क्यूब पे भी है, तो मैं इन दोनों को जो है वो होल पावर हाफ दे दूंगा, और मैं 8 को 2 क्यूब भी लिख रहा हूँ, 8 को मैं 2 क्यूब लिख रहा हूँ और 16 को मैं 2 टू द पावर 4 लिख रहा हूँ, ताकि सारी बेसिस जो है वो एक जैसी हो जाए और मैं इंडाइसिस का लॉ लगा सकूं, ठीक है। तो मैंने 16 को जो है वो 2 टू द पावर 4 लिख दिया, एक्स 6 वाई ऐसे ही आ गया, 8 को मैंने 2 क्यूब लिखा, जब मैं ये हाफ पावर दूंगा तो ये 3/2 हो जाएगा, y पे पावर 3 थी ये भी जो है वो 3/2 हो जाएगा। अब मुझे पता है बेसिस सेम है तो पावर्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं,
तो जब आपको इस तरह करोगी बेसिस सेम पावर्स, ये टू जो है ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फोर में से जब थ्री माइनस टू करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 की पावर 5/2। और ये एक्स सिक्स है, चूंकि नीचे कोई एक्स नहीं है तो ये एक्स सिक्स ऐसे ही रहेगा, और नीचे मेरे पास y 3/2 है, ये भी ऊपर शिफ्ट कर दो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 - 3/2 जो है वो -1/2 हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू आ रही है 5/2, बी की वैल्यू मेरे पास 6 आ रही है, और सी की वैल्यू मेरे पास -1/2 आ रही है। ये भी एक सिंपल सा इंडाइसिस का क्वेश्चन था, स्क्वायर उसका इंडाइसिस एंड सर्ट्स का, जिसमें आपको फॉर्म कन्वर्ट करने थे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में आ सकता है, जिसमें वो आपको फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए बोले और एक स्पेसिफिक फॉर्म में आपको अरेंज करना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी लॉग इक्वेशन का, देखते हैं फिर तो क्लास को फिनिश करते हैं। गिवन दैट log 9, ये base 9 है, log2 the base 9 of x इक्वल्स टू a log 3x, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 1 मार्क का है। ठीक है, ये कह रहा है कि log2 the base 9x इक्वल्स टू a log2 the base 3x। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस log 3x को शिफ्ट करूंगा दूसरी साइड पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a = log2 the base 9x, ये तो एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई बाय ये चीज यहाँ से इधर आएगी, ये इधर इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए देखना है कि क्या दोनों लॉग की बेसिस सेम है, तो दोनों लॉग की बेसिस अलग अलग है, तो मुझे पहले बेस सेम करनी पड़ेगी। तो मैं log2 the base 9 of x की बेस सेम करने वाला हूँ और log 3 यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ भी log 3 है ना। तो मैंने लिखा log2 the base 3x log2 the base 3 9, जैसे कि मैंने चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऊपर आता है और बेस जो है वो नीचे चले जाती है, मल्टीप्लाई बाय log2 the base 3 of x, ये एज इट इज आ गया। अच्छा, 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, जब मैं 3 स्क्वायर लिखूंगा तो 2 पहले आ जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा log 3 of 3, log 3 of 3 1 बन जाएगा, ये log of 3x और ये log of 3x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2। अच्छा, सेकेंड पार्ट में फिर वो मुझे इसी तरह का एक क्वेश्चन दे रहा है, जिसमें कह रहा है log 27, इस वाले लॉग की बेस 27 है, y = b log 3y, अगेन वही टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, बी की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने शिफ्ट किया, बेस चेंज की, log 27 की बेस चेंज की, जो कि यहाँ log 3 था, तो log 3 और 3 इंट्रोड्यूस कराया, आर्ग्यूमेंट ऊपर आता है, बेस नीचे चले जाती है, 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ, जब मैं 3 क्यूब लिखूंगा तो क्यूब पहले आ जाएगा, अगेन log 3y 3y कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है, हेंस सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये लॉग इक्वेशन आ गए और ये साइमल्टेनियस है, मतलब मुझे इनको पहले दो इक्वेशन सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये इसने कैसे किया। सबसे पहले इसने लॉग जो है पहली इक्वेशन ली, पहली इक्वेशन थी मेरे पास 6 log 9, लॉग की बेस 9 है, टू द पावर सॉरी 6 log base 9 और आर्ग्यूमेंट x है इसका, प्लस 3 log2 the base 27 y = 8। 6 पहले लिख लिया मैंने, ये इसकी जगह पे मैंने पूरी वैल्यू पुट कर दी, log 9x को पहले मैंने लिखा a log 3 of x, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, a की जगह पे मैंने हाफ यूज किया, log of 3x ऐसे ही आ गया, फिर मैंने इसको भी उसी तरह लिखा, b log 3 y जो था वो किसके बराबर था, वो log 27 y के बराबर था, तो मैंने इसको भी बिल्कुल उसी तरह लिख के जो है वो बी की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू जो है वो आ रही थी 1/3, और मैंने क्या किया फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 1 2 2 3 6, तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन बन गई वो बन गई 3 log 3x प्लस 3 log 3y = 8। सेकंड इक्वेशन मेरे पास है log 3x प्लस 2 log 9y = 2, इसको भी मैंने अपने पुराने रिजल्ट को यूज करके सिंप्लीफाई कर लिया, log 9y मुझे गिवन था, log 9y जो था, ठीक है, ये देखो log 9y इधर दिया हुआ है, इसकी जगह पे मैंने ए की जगह पे इसको ए की फॉर्म में लिखा और ए की वैल्यू पुट की, हाफ 2 से 2 कैंसिल किया, तो सिंप्लीफाई करके मैंने दूसरी इक्वेशन बना ली, log of 3x = log of 3y = 2। अब ये दोनों इक्वेशंस बन गई हैं, इनको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो आया नहीं है, तो मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 से मैंने क्या किया, log of 3x की वैल्यू निकाल ली, इसको शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे, तो ये बन गया 2 - log 3 of y, और मैंने इसकी वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, log of 3x की जगह पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यू पुट कर दी, 3 = 2 - log 3y, सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास log of 3y = -1 आ गया। अब मैं इस log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब मेरे पास जब y की वैल्यू 1/3 आ गई है तो मैं आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। मैंने जो है वो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देनी है इधर, ठीक है, ये वाली आप यूज कर लो या ये वाली ज्यादा आसान है, ये वाली यूज कर लो,
यहाँ वाई की जगह पे वन अपॉइंट थ्री पुट कर लो, ये लॉग थ्री एक्स ऐसी आ गया, प्लस लॉग थ्री यहाँ वाई की जगह पे वन अपॉइंट थ्री पुट किया इक्वल टू टू, ये माइनस वन हो जाएगा, ये भी लॉग थ्री है, ये भी लॉग थ्री है, प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ लगाने के बाद जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ थ्री एक्स माइनस ये, माइनस ये जो पावर है पहले आ जाएगी, ठीक है, और लॉग ऑफ थ्री थ्री वन हो जाएगा, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे ये थ्री हो जाएगा, लॉग फॉर्म है, एक्स की आंसर चाहिए एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो तो थ्री टू द पावर थ्री 27 हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 27 आ गई।